आज शुरू करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो पीछे फिशेस देखे थे मछली, उसमें हम लोग दो प्रकार के जो है मछलियों को देखे थे, एक था आपका काटले जीनस फिश और दूसरा था बोनी फिश, कॉलिस्टिस और ऑस्ट्रिच फिश। अब आज शुरू करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा में हम लोग सबसे पहले इसका कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो भी टेट्रापोडा के जीव हैं उसमें टू पेयर लिम्ब्स होता है, ये पहला गुण है उसका। उसमें जो पैर हाथ पैर जैसा कुछ होता है अपेंडिज, वो आपका दो पेयर्स होगा, टू पेयर्स मतलब चार। स्किन कॉर्निफाइड होगा, कॉर्निफाइड स्किन का मतलब है कि अपर जो सरफेस होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम का होगा जो कि डेड होता है। और ये आपका एयर में या ड्राई कंडीशन में रहने के लिए वेल एक्सपोज, वेल जो है ना आपका एडेप्टेड होगा, उसका जो स्किन होता है। उसका जो लंग्स होता है वो एरियल रिस्पायरेशन में मदद करता है, अर्थात एरियल रिस्पायरेशन इसमें होता है। सेंसी ऑर्गन जो होता है वो आपका एयर से सेंस ऑर्गन के रूप में काम करने के लिए, मतलब कि रिसेप्ट करने के लिए स्टिमुलस को एडेप्टेड होता है। सेंसरी जो आपके इसके ऑर्गन्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से या एयर से स्टिमुलस रिसेप्ट करने के लिए एडेप्टेड होते हैं। अगला बात है कि इसको हम चार क्लास में बांटते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोड का अगर बात करें तो इसमें भी चार क्लास पाए जाते हैं। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एयर और चौथा है मैमिलिया। यहाँ पर एम्फीबिया जो है वो एम्फीबिया आपका अनअम्योर्स का उदाहरण है। अगर आपको याद होगा तो बताए थे कि अम्योन जो है ना एक एम्ब्रियोनिक लेयर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जो आपका पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो के बाहर में, ग्रोइंग एम्ब्रियो के बाहर में, और उसके उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो एम्फीबिया जो होता है वो एम्फीबिया में अनम्योट से, मतलब कि उसमें आपका एम्नियन लेयर नहीं होता, एम्नियोटिक फ्लूइड नहीं होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जबकि रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, एप्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है, ये तीन जो है वो एम्नियोट में आते हैं, इसका मतलब होता है कि उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्नियन लेयर पाया जाता है, एम्नियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। ये जो क्लास एम्फीबिया है वो आपका दो ग्रीक वर्ड से आया है, एक एम्फी मतलब ड्यूल या गोल और दूसरा है बायोस जिसका मतलब लाइफ, अर्थात वैसे वैसा जीवन या वैसा जीव जो आपका दो तरह का जीवन व्यक्त करता है या दो तरह का लाइफ अपना गुजारता है। एक तो इसके जो लाइफ साइकिल होता है या लाइफ स्पैन होता है उसका कुछ समय टेस्ट्रियल के रूप में गुजरता है और कुछ समय जो है ना वो आपका एक्विटी के रूप में गुजरता है, इसलिए इसको एम्फीबिया कहा गया, मतलब ड्यूल लाइफ गुजारने वाला ऑग्नि। ये आपका सबसे प्रिमिटिव टेट्रापोड्स माना जाता है, चूंकि सुपर क्लास टेट्रापोड का ये सबसे पहला क्लास है। नेक्स्ट, इसमें जो स्पीसीज हैं जो अभी मालूम है करीब करीब 3000 है, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि पूरे विश्व में ये पाया जाता है, लेकिन समानता वैसे क्षेत्रों में ये ज्यादा पाया जाता है जो आपके मॉइस्ट होते हैं, थोड़ा टेम्परेट होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन जो है जो आपका गर्म कंट्री है उनमें भी इनकी सबसे ज्यादा जो है सो प्रेजेंस है, उपस्थिति है। अर्थात कोई अगर ये बोले कि कहाँ पाया जाता है तो आराम से बताएंगे कि वो आपका वर्ल्ड वाइड है, लेकिन ज्यादा पाया जाता है कहाँ, वार्म कंट्री में ज्यादा संख्या में इसके स्पेसिस पाए जाते हैं, वैसे देशों में जहाँ का तापमान ज्यादा होता है। अगला हैबिट एंड हैबिटेट, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, अर्थात इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। ये फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन मैरीन एम्फीबियंस अभी तक पता नहीं चला है। कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपना लाइफ पूरे के पूरे
पेड़ पर गुजारते हैं, पौधों पर ही रहते हैं और नीचे नहीं उतरते, या उतरते भी है तो बहुत कम समय के लिए, अर्थात उनका जीवन का कोई भी समय न तो वाटर में और न ही जो है ना अर्थ सरफेस पर बीतता है, बल्कि वो मुख्यतः पेड़ पर ही अपने जीवन को गुजारते हैं। ऐसे एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वो जो ट्री होता है, ट्री में जो आपका गैप्स होता है, दरार होता है जिसको हम लोग क्रीवेसस कहते हैं, उसमें वाटर जो भरता है उस समय वो अपना रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए भी वो पृथ्वी पर नहीं आते, वो आपका वाटर में नहीं जाते, बल्कि ट्री पे ही जो वाटर भरा होता है जहाँ तहाँ वो गैप में उसमें अपना ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी पूरा करते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा एम्फीबियंस नहीं है, चाहे तो पेड़ पर रहने वाला हो, चाहे वो आपका अर्थ सरफेस पर रहने वाला हो, जो आपका बगैर वाटर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो सारे के सारे एम्फीबियन को अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए वाटर जरूरी है। और माना ये जाता है कि एम्फीबियंस का जो है जो उत्पत्ति हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो फिशेस से हुआ है, और ये पहले आपके वर्टिब्रेट्स है जो पानी से पृथ्वी पर आया था। कुछ फिशेस जो है ना वो आपका अर्थ पर आकर चलने लगे थे, मतलब कि कुछ दूरी तक जाते थे जहाँ पर वाटर बॉडी था, एक्वेटिक बॉडी था, उसके कुछ किनारों तक आपके फिशेस जो है ना वो आपका मूव करते थे, लेकिन पूरी तरह से अर्थ सरफेस पर आने वाला या अपना जीवन गुजारने वाला पहला जो टेट्रापोड था वो आपका एम्फीबियन था। बॉडी जो इसका होता है या तो सिलिंड्रिकल होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, और उसमें हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं उसमें केवल हेड और ट्रंक ही होता है, टेल या नेक नहीं होते। एक्सोस्केलेटन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, ना तो इसमें जो है नाखून होता है और ना ही पंजा होता है या क्लाव होता है। जो इसका स्किन होता है वो स्मूथ होता है या रफ हो सकता है, क्यूटेनियस लेकिन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो क्यूटेनियस ग्लैंड्स जहां भी पाए जाएंगे जिसके भी स्किन पर, उसको उसके स्किन को मॉइस्ट कहते हैं, और जिस पर क्यूटेनियस ग्लैंड्स नहीं पाए जाते उसको हम ड्राई स्किन कहते हैं। अर्थात इसका जो स्किन होता है मॉइस्ट स्किन होता है, स्केल्स समानता नहीं रहता, और अगर स्केल्स रहता भी है तो स्किन में धंसा रहता है। जैसा कि हम देखते हैं एक एग्जांपल है इस्थियोफिस। इस्थियोफिस जो है ना वो एक तरह का एम्फीबियन है जिसमें आपका क्या होता है स्किन में उसका धंसा हुआ पाया जाता है, क्या स्केल्स, मतलब स्केल्स उसमें पाया जाता है। ऐसे कॉमन रूप में कोई भी एम्फीबियंस में आपका स्केल्स नहीं होता, कुछ एक अपवाद है जिसमें एक है इस्थियोफिस। अगला है एक्सोस्केलेटन के बाद इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो होता है वो मेनली बोनी होता है, स्कल जो होता है डाइकोंडेलिक होता है, दो कॉन्डाइल पाया जाता है उसमें, प्लस जो सैक्रल वर्टिब्रा होता है वो सिंगल होता है। सैक्रल शायद आप जानते होंगे, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ का हड्डी जो होता है उसमें गोल गोल छोटे जो है ना आपका कई बोन्स पाए जाते हैं जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं। जैसे मनुष्य में 33 वर्टिब्रा होता है, उसमें से जब हम लोग यंग बनते हैं तो क्या होता है कि वो ढेर सारे वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे आपके गर्दन के रीजन में 7 होता है जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, थॉरेसिक मतलब कि चेस्ट के रीजन में 12 होता है जिसको हम लोग थॉरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, जो आपका एब्डोमेन के रीजन में होता है वो 5 होता है जिसको हम लोग लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं, और आपके जो कमर का रीजन होता है उसमें जो वर्टिब्रा होता है उसको सैक्रल कहते हैं, वो भी आपका 5 होता है जो बाद में फ्यूज हो जाता है, और जो आपका पूंछ जो जो रीजन मतलब हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पूंछ पाया जाता है उसमें जो वर्टिब्रा पाया जाता है या अभी माने वो फ्यूज हो जाता है हम लोगों में एडल्ट में, उस वर्टिब्रा का नाम है सैक्रल वर्टिब्रा।
तो सेकेंडा वर्टिब्रा जो है ना वो पूंछ के रीजन का वर्टिब्रा है। समानतः जो आपके एम्फीबियंस होते हैं उसमें सेकेंडल वर्टिब्रा सिंगल होता है, केवल एक होता है वर्टिब्रा पूंछ वाला। ये आपको हम इंडोस्केलेटन के बारे में देख रहे थे। लिम्स का बात करते हैं, लिम्स टू पेयर्स होता है, एक फोर लिम्ब के रूप में और एक होता है हाइंड लिम्ब के रूप में। फोर लिम्ब में चार उंगलियां होती हैं जबकि हाइंड लिम्ब में पांच उंगलियां होती हैं। हाइंड लिम्ब जो होता है समानता बड़ा होता है, हाइंड लिम्ब मतलब पीछे पिछला पांव और फोर लिम्ब मतलब अगला पांव। तो हाइंड लिम्ब जो होता है समानता इसका वो कैसा होता है, बड़ा होता है, किससे, फोर लिम्ब से। लेकिन इसियोपसिस जो होता है जिसके बारे में अभी हम आपको बताए थे कि इसका स्किन जो होता है उसमें स्केल्स धंसा हुआ पाया जाता है, इसमें आपका लिम्ब नहीं पाया जाता, इसमें पैर या हाथ जैसा रचना नहीं पाया जाता, ये लिम्बलेस एम्फीबियंस है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम इसका होता है उसमें माउथ काफी लार्ज पाया जाता है। रेप्टाइल्स में भी जो है ना माउथ लार्ज होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे वहां भी। टीथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है या तो अपर जा पर या लोअर जा पर या फिर दोनों जा पर, अपर और लोअर दोनों जा पर बराबर होता है। टंग जो है ना समानता इसमें प्रोट्रूसिबल होता है, मतलब कि बाहर की तरफ जो है ना वो निकलता है काफी लंबाई में। और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो आपका जाकर क्लोइका में समाप्त होता है, मतलब क्लोइका यहाँ प्रेजेंट होता है, एनस का बात नहीं करेंगे। अगला है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके मदद से रिस्पायरेशन होता है, जैसे गिल्स, लंग्स और लाइनिंग ऑफ बकोपैरिंजियल कैविटी है। जैसे हम लोगों में जैसे आपका माउथ के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो एक कैविटी पाया जाता है और उस कैविटी का नाम क्या है, बकल कैविटी या माउथ कैविटी। तो जो बकल कैविटी या माउथ कैविटी होता है इसी तरह से इसमें एम्फीबियंस में क्या होता है कि बकल कैविटी और फेरिंग्स जो है ना आपस में फ्यूज कर जाता है और एक बड़ा सा चैम्बर बनाता है जिसे कहते हैं बको फेरिंजियल कैविटी। बकल कैविटी और कौन, फेरिंग्स। जबकि हम लोगों में बकल कैविटी और फेरिंग्स अलग अलग होता है लेकिन इसमें आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा सा चैम्बर बनाता है जिसे बको फेरिंजियल कैविटी कहते हैं। तो लाइन जो बको फेरिंजियल कैविटी का जो अंदर का लेयर होता है, जो आप अपना जीव अंदर अगर घुमाते हैं बकल कैविटी के अंदर तो आपको लेयर नजर आएगा, मतलब कि आपको लेयर समझ में आएगा चारों तरफ। तो वो जो लेयर होता है अंदर का उससे ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। साथ ही साथ ये स्किन भी इसका जो है ना वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसा काम करता है, या तो कुछ कुछ जो ऐसे एम्फीबियंस हैं जिसमें सब के सब जो है ना वो पाया जाता है रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के रूप में, या कुछ एक पाया जाता है। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में क्या होता है, स्किन से भी होता है रिस्पायरेशन। फ्रॉग में आपका बकोफेरिंजियल कैविटी के लाइनिंग से भी होता है। बकोफेरिंजियल कैविटी के लाइनिंग के अलावे उसमें लंग्स भी पाया जाता है। तो इसमें आपका तीनों से हो रहा है, आपका लंग से भी हो रहा है, बकोफेरिंजियल के लाइनिंग से भी हो रहा है और स्किन से भी हो रहा है। लेकिन इसका जो आपका लार्वा होता है उसमें गिल से होता है, मतलब कि चार बोल सकते हैं उसके लाइफ साइकिल में, चारों के चारों जो फ्रॉग के लाइफ साइकिल में चारों के चारों रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। गिल्स ऐसे भी एम्फीबियंस में समानतर लार्वी में देखा जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं आपके एम्फीबियंस जिनके एडल्ट स्टेज में भी देखे जाते हैं। नहीं तो ऐसे दिमाग में रखिएगा कि गिल्स जो होता है एम्फीबियन में समानतर कब नजर आता है, लार्वल स्टेज में। कुछ जो होते हैं आपके एम्फीबियन उसमें वोकल कॉर्ड और वोकल सैक पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग में आप देखते होंगे कि जब वो टकराता है आवाज निकालता है तो उसका नेक रीजन में नीचे स्वेलन हो जाता है कुछ, वो आपका वोकल सैक जैसा काम करता है। ये आपको हम लोग देख रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में टेट्रापोडा का। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसका जो हर्ट होता है थ्री चैम्बर होता है, जिसमें दो ऑर्किल और एक वेंट्रिकल होते हैं। अर्थात इसमें जो आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है वो दोनों आकर हर्ट में आपस में फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है, मिक्स कर जाता है और अंततः वो आपका मिक्स ब्लड के रूप में फिर सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। इसका जो लेफ्ट ऑर्किल होता है वो ब्लड को आपका लंग से प्राप्त करता है, जबकि राइट ऑर्किल जो होता है वो बॉडी के रिमेनिंग पार्ट से अन्य भागों से प्राप्त करता है, जिसमें स्किन भी हो सकता है, जिसमें बकोफेरिंजियल लाइनिंग हो सकता है, लेकिन लंग से केवल और केवल किस में आता है, लेफ्ट ऑर्किल में आता है। और फिर ये दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट ऑर्किल से चला जाता है किसमें, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में दोनों ब्लड प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड आपस में मिल जाते हैं और अंततः मिक्स्ड ब्लड बनाते हैं। तो प्रीवेंस में जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में ब्लड का वो कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है। नेक्स्ट इसमें साइनस वेनोसस और जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है वो प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि साइनस वेनोसस जो है ना एक रचना है जो हर्ट में क्या करता है, ब्लड को प्राप्त करता है बॉडी के अन्य हिस्सों से। ठीक है, तो बॉडी के जो अन्य भाग होते हैं उनसे ब्लड को प्राप्त करने वाला रचना को हर्ट में क्या कहते हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं। जबकि आपका ये जो आपका साइनस वेनोसस सॉरी ट्रंकस आर्टेरियोसस किसको कहते हैं, जो ब्लड को पंप करने के लिए होता है रचना, मतलब हर्ट का वो रचना जो ब्लड को बॉडी के अन्य हिस्सों में भेजने में उपयोग होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। हम लोग को अगर याद होगा पीछे कोनस आर्टेरियोसस भी बोलते थे चूंकि वो कोनिकल था। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि वो थोड़ा सा बड़ा और ब्रांच होता है तो ट्रंकस आर्टेरियोसस का बात बोलते हैं। आरबीसी जो होता है इसका ओवल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, ओवल बाइकॉन्वेक्स आप लोग समझ सकते हैं। फिगर भी आगे हम लोग बनाएंगे कभी उनसे जरूरत पड़ेगा तो। बाइकॉन्वेक्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि चारों तरफ का जो सिरा होता है वो कैसा होता है, दबा हुआ, और बीच में क्या होता है, सेंटर की तरफ स्वेलिंग होता है दोनों साइड में। तो इसका जो आरबीसी होता है बाइकॉन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें हिपैटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों आपके पाए जाते हैं, वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का बात। एस्किटरी सिस्टम का बात अगर करें तो इसमें आपका इसमें एस्किटरी सिस्टम में जो किडनी होता है वो आपका इसका एस्किटरी ऑर्गन होता है, और किडनी जो होता है मीजोनेफ्रिक होता है। आपको पहले भी मीजोनेफ्रिक का बात बताए थे कि मीजोनेफ्रिक का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके अथी होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, सेल मास होता है, जिससे कि एम्ब्रियोनिक जो है ना किडनी बनता है उस वो आपका अगर बीच से बने तो मीजोनेफ्रिक बोलते, अगर जो है ना एंटीरियर रीजन से बने तो प्रोनेफ्रिक बोलते, और अगर जो है ना पीछे वाले से बोले तो मेटानेफ्रिक बोलते हैं। तो इसका जो किडनी होता है मीजोनेफ्रिक होता है, यूरेटर भी पाया जाता है इसमें दो, और यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता है। तो इसमें आपका किडनी, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। लार्वी और जो आपका टेल एम्फीबियंस होता है जिसका कॉमन उदाहरण है सालमेंडर, वो अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया देते हैं, जबकि फ्रॉग और टोड जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब कि यूरिया देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसका एस्किटरी सिस्टम का बात था। इसमें जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं वो 10 पेयर्स होते हैं, 10 जोड़ा होता है। सेंस ऑर्गन जो होता है ओल्फैक्टरी सैक्स के रूप में होता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका जस्ट बकल कैविटी के ऊपर में एंटीरियर रीजन में, और ये जो होता है ना इंटरनल लेयर से जुड़ा होता है जो कि आपका जाके लंग्स में खुलता है ट्यूब के द्वारा। तो इसमें जो ओल्फैक्टरी सैक होता है वो आपका पेयर्ड होता है, जबकि वो आप वो बकोफेरिंजियल जो कैविटी होता है उसी के इंटीरियर पार्ट में
अगले हिस्से से वो आपका जुड़ा होता है, किसके द्वारा? इंटरनल लेयर के द्वारा। नेक्स्ट जो इसका बात होता है, इसका जो आईज होता है वो आपका मूवेबल आईलिड्स रखता है, और ईयर जो होता है आपका मिडिल और इंटरनल ईयर के रूप में होता है, जिसमें जो टिम्पैनम होता है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के रूप में स्किन पर से नजर आता है, और ये मिडिल ईयर को ढककर रखता है। मिडिल ईयर जो होता है उसमें केवल एक ईयर ओसिस होता है, जबकि हम लोगों में कितना ईयर ओसिस होता है? तीन। ठीक है, हम लोगों का जो कान होता है उसमें छोटी हड्डियों का जो संख्या होता है वो तीन होता है, तीन आपका लेफ्ट कान में ईयर में, और तीन जो है ना राइट ईयर में। तो इसमें जो है ना प्रत्येक कान में कितना होता है? केवल एक ईयर ओसिस होता है, जिसका नाम है कॉलुमेला आउरिस। कॉलुमेला आउरिस क्या है? इसका ईयर में पाया जाने वाला छोटा सा बोन होता है। नेक्स्ट है, इसमें लैटरल लाइन सिस्टम जो है ना वो आपका लार्वी में पाया जाता है और एक्वेटिक फॉर्म में। तो लार्वी और एक्वेटिक फॉर्म में इसमें क्या पाया जाता है? लैटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। इसमें जो मेल होता है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गेन नहीं पाया जाता। अधिकांश जो इसके होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो ओविपेरस होते हैं, मतलब कि अंडा देने वाले होते हैं। क्लोएका प्रेजेंट होता है। समानता इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और ये जो है ना एक फिश लाइक लार्वा जो होता है जिसे टैडपोल कहते हैं उससे एडल्ट में बदलता है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी जो है ना वो आइडिया हो गांव वगैरह का, तो आप लोग जानते होंगे बरसात के मौसम में जो गड्ढे होते हैं आपके खेतों में, जहाँ तक खाली जो गड्ढे होते हैं उसमें आपको मेढक जैसा, मेढक का जो है ना वो लार्वा नजर आता होगा, मछली जैसा छोटा सा होता है, तैरता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। तो उस समय जो है ना उसमें आपका मेटामॉर्फोसिस होता है, और उसी समय जब टैडपोल को ठीक से देखिएगा तो आपको क्या होगा? गिल वगैरह नजर आएगा, पूंछ नजर आएगा, फिन्स नजर आएगा, लेकिन पैर हाथ नजर नहीं आता, मतलब कि ये जो आपका लिम्स होता है वो नजर नहीं आता। कुछ समय के बाद उसको देखिएगा फिर उसमें, तो पूंछ उसका कट कर अलग हो जाता है, और वो जो आपका लिम्स है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब वो आराम से डेवलप हो जाती है। तो ये आपको हम लोग देख रहे थे किसमें, इसका रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ओविपेरस, ये अपने अंडे को कहाँ देता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका अंडा जो है ना वो वाटर में निकलता है, और इसमें जो है ना आपका क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, अर्थात लार्वा बनता है इसमें, और लार्वा जो होता है इसमें टैडपोल कहलाता है, वो मछली जैसा होता है। लेकिन सालामेंडर में एक्सोलॉटल जो है ना लार्वा पाया जाता है, एक्सोलॉट जो है ना आपका लार्वा पाया जाता है किसमें? सालामेंडर में। ई को ना तो हटा देते हैं, ई जो है ना एक्सोलॉट में, लॉटल में ई नहीं होगा, AXOLOTL केवल रहने दीजिए। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है आपका यूनिक फीचर्स के बारे में कहते हैं। यूनिक फीचर जो इसका होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता, पहला। दूसरा है कि इसका जो स्किन होता है वो रिस्पायरेशन में मदद करता है, अर्थात रिस्पायरेटरी स्किन होता है इसमें, अर्थात इसको अगर पंखा के नीचे रख दिया जाए तो इसका स्किन क्या होगा? सूख जाएगा, और स्किन सूखने के कारण इसमें जो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन, वो आपका रुक जाता है। तो ये जो है ना इसमें रिस्पायरेटरी स्किन होता है। तीसरा जो है ना इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कई प्रकार के होते हैं, और इसमें जो लार्वल स्टेज होता है फिश लाइक होता है, जिससे आपका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये इसके यूनिक फीचर्स हैं कुछ है, जिसको बेंग मछली भी लोग गांव में बोल देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। इसका जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जो आपका एम्फीबिया है उसमें से कुछ एक जो इसके हैं आपके ग्रुप, वो आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन जो जिंदा है उसको हम लोग तीन ऑर्डर में बांटते हैं। जो लिविंग एम्फीबियंस हैं उसको समानता तीन ऑर्डर में बांटा जाता है, लिम्स के आधार पर और पूंछ के आधार पर।
लिप्स है कि नहीं है, पूंछ है कि नहीं है, इसके आधार पर तीन जो है ना ऑर्डर पर बांटा जाता है। पहला ऑर्डर है ए पोडा, जैसा कि नाम है ए पोडा, ए मतलब विदाउट और पोडा मतलब पैर, मतलब वैसा एम्फीबिया जिसमें पैर नहीं होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया। इसमें पूछ के बाद समानता जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, पैर नहीं है। तो समानता यहाँ पर जो भी हम एम्फीबिया देख रहे हैं उसको बांटने का आधार आपको बताए, पहला लिम्ब देखिएगा, अगर लिम्ब है कि नहीं है, अगर नहीं है या है तब फिर उसका पूछ देखना है। तो आपका ए पोडा जो है उसमें आपका क्या है, लिम्स ही नहीं है, इसलिए इसको रखा गया, कहा गया ए पोडा। ठीक है, नेक्स्ट है ए पोडा का एग्जांपल है यहाँ पर, इसी को लोग जिम्नोफियोना या सिसिलिया कहते हैं, इसका कॉमन उदाहरण है इस्टियोफिश। अगला है यूरोडेला या कॉडाटा। कॉडाटा, कॉडाटा मतलब क्या होगा, तेल रखने वाला, कॉडाटा। और यूरोटीला मतलब कि, यूरोटीला का मतलब है यहाँ पर लिम्स रखने वाला, अर्थात इसमें तेल भी रहेगा और लिम्स भी रहता है, लिम्स रहेगा और तेल भी रहेगा। इसका कॉमन उदाहरण है सालामेंडर, ठीक है, या नेक्टुरस जिसको मड पपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एन्यूरा, एन्यूरा जो है वो तीसरा ऑर्डर है एम्फीबियन का, इसमें जो है ना आपका लिम्स होता है लेकिन तेल नहीं होता है, पूंछ नहीं होता है, तो इसको कहते हैं एन्यूरा, मतलब बगैर पूंछ वाला। इसका कॉमन उदाहरण है बफो, ठीक है, टोड जिसको कहते हैं, राना, फ्रॉग या हाइला। हाइला जो है ना वो आपका पतला सा होता है, वो पेड़ों पर पाया जाता है, ट्री फ्रॉग। तो ये कुछ उसके क्लासिफिकेशन का बात था, कुछ प्रमुख बात था, दिमाग में रखिएगा कि ए पोडा का मतलब हो गया वैसा ऑर्डर एम्फीबियन का जिसमें कि आपका क्या नहीं होता है, लिंब नहीं होता है। नेक्स्ट है यूरोडेला, यूरोडेला में क्या होगा, लिम्स भी रहेगा और टेल्स भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन्यूरा, एन्यूरा में क्या होता है, टेल नहीं रहेगा और लिम्स प्रेजेंट रहेगा। ये कुछ एक उदाहरण है जिसको हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में हम लोग पहला था एपोडन या लिम्बलेस जो है ना एम्फीबियम, उसका कॉमन उदाहरण आपको बताए थे इस्टियोफिश या इस्टियोफिश या जिसको ब्लाइंड वॉर्म भी कहते हैं। अगला है यूरोडिलंस अर्थात तेल वाला, जिसका कॉमन उदाहरण में नेक्सर था, मरपपी जिसको बोलते थे, एम्फ्लोमा था जिसको कॉन्गो रेल बोलते थे बोलते हैं, सालामेंडर है, ट्राइटुरस है, साइरन है जिसको मड ईल बोलते हैं, मड ईल। साइरन में ध्यान रखिएगा लास्ट वहां पर साइरन लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसका लगता है कट गया है, साइरन का मतलब है मड ईल, इसका कॉमन नेम है ईल। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो इसका जो आपका फ्रॉग और टेट्स होता है उसको हम लोग रखते हैं अगला ऑर्डर में, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्यूरन्स, टेललेस आपका क्या एम्फीबियंस। इसमें जो मेल होता है उसमें आपका क्लोइका पाया जाता है जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गेन जैसा काम करता है। इसका कुछ को हम लोग जो है ना डिस्क्राइब करके हल्का हल्का देख लेते हैं। फ्रॉग और टोड कॉमन उदाहरण है इसका एन्यूरन्स में, और ये जो है ना आपका सबसे सक्सेसफुल एम्फीबियंस है फ्रॉग और टोड जो है, सो फ्रॉग और टोड जो है वो सबसे आपका क्या है सक्सेसफुल एम्फीबियंस है। इसमें करीब 2600 स्पीशीज इसके बारे में मालूम है, और ये जो है ना आपका ड्यूल लार्वल और एडल्ट स्टेज रखता है, इसलिए ये आपका सक्सेसफुल माना जाता है। मतलब ये जो है ना, इसमें आपको बताया होंगे शायद याद होगा कि लार्वा जो होता है वो आपका समांतर कहाँ रहता है, वाटर में, और जो एडल्ट होता है वो अर्थ सरफेस पर, अर्थात ये एनवायरमेंट का उपयोग ज्यादा बढ़िया से करता है
और इसीलिए इंसेक्ट के जैसा इसको हम लोग क्या मानते हैं, सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म में एक मानते हैं, खास करके एम्फीबियंस में सबसे सक्सेसफुल एम्फीबियन फ्रॉग और टोड है। ये आपका इंसेक्ट के तरह ही मेटामॉर्फोसिस करता है। और इसका कॉमन एग्जाम्पल कुछ एक देख रहे हैं, कॉमन इंडियन फ्रॉग को राणा टिकरिना कहते हैं, इंडियन टोड को बको मेलानोस्टिक्टस कहते हैं। अब कुछ फ्रॉग और टोड्स हैं जिसको देख लेते हैं। हाइला, हाइला जो है ना वो आपको ट्री फ्रॉग कहलाता है। इसमें आपका क्या होता है, ये आर्बोरियल होता है फ्रॉग, मतलब कि पेड़ पर पाया जाने वाला होता है। समानता वैसे जंगलों में पाया जाता है जहां पर नमी ज्यादा होता है, डैम्प होता है, और ये आपका इंडिया में समानता नहीं पाया जाता। ये जमैका में जो होता है आपका हाइला, वो अंडा देता है, वो छोटे छोटे जो है ना समूह में रेन वाटर में, और जो कि आपस में जो जमा हो जाता है और जमा होकर एक समूह का निर्माण करता है। कहाँ पर, बड़े बड़े जो आपके पत्तियां होती हैं, पत्तियों में आपका पानी जो जमा रहता है उसमें ये जाकर अंडा देता है। ये इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्किन होता है उस पर पॉइनस ग्लैंड्स पाया जाता है, इसलिए टोर्च को कोई खाना नहीं चाहता है। जो प्रीडेटर्स होते हैं समानतः वो टोर्च को खाना नहीं चाहते, खास करके इसको हाइला को। हाइला जो है ना वो एक ट्री फ्रॉग है और उसको खाना नहीं चाहता है क्योंकि उसका जो स्किन होता है उसमें से पॉइजन निकलता है जिससे उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, और तो और सामने वाला जो खाता है इसको वो परेशान हो जाता है। अगला है टोर्च में, टोर्च जो है ना उसका नाम में पहला जो टोर्च है एलाइट्स देख रहे हैं, जिसको हम लोग मीड वाइट टोड भी कहते हैं। ये समानता यूरोप में जैसे फ्रांस इटली वगैरह में पाया जाता है। इसमें जो मेल होता है वो क्या करता है, अंडा को जो अंडा का जो समूह होता है उसके आप उसको अपने बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जो जांग होता है उसमें आपका क्या करता है, बांध के ले जाता है और उसको मॉइस्ट मतलब कि जो नमी वाला क्षेत्र होता है वहां पर जाकर गाड़ देता है, वहां पर जाकर उसको जमीन के अंदर डाल देता है। जब अंडा जो है ना वो हैच के लिए रेडी हो जाता है तो उसको उसको ये क्या करता है, उठा के वहां से ले जाके बगल का जो पानी का स्रोत होता है उसमें ये डाल देता है। फिर से बोल रहे हैं सुनिएगा, इसको हम लोग मीड वाइप टोड कहते हैं। क्यों मीड वाइप टोड कहते हैं भाई, तो इसमें जो मेल आपका होता है इसमें एलाइट्स में वो क्या करता है कि जो अंडों का जो समूह होता है उसको अपने पैर के अपने बॉडी के पिछले हिस्सों में ले लेता है और दबा कर ले जाकर वैसे जगहों पर उसको गाड़ देता है जो आपके कैसा हो, नमी वाला क्षेत्र हो, मतलब बगल में कोई पानी का स्रोत हो। अब जब अंडा में से बच्चा निकलने को होता है, मतलब हैचिंग होने होने को होता है, तब ये क्या करता है, उन अंडों को निकाल निकाल के वो पानी के स्रोत में डाल देता है, जिससे अंततः जो है ना वो आपका लार्वा निकलता है और अपना लाइफ को शुरू करता है किसमें, उस वाटर के स्रोत में। नेक्स्ट जो बात है इसमें पीप, ये जो है आपका पीपा, पीपा जो है ना वो आपका कॉमनली इसको हम लोग सुरीनाम टोड कहते हैं, क्योंकि ये आपका साउथ अमेरिका के सुरीनाम में देखा जाता है या कॉमन है। ये जो है ना इसमें आपका टंग नहीं होता है, इसका जो फीमेल होती है उसका डॉर्सल स्किन काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, जिससे में आपका फर्टिलाइज एग जो होते हैं अटैच्ड रहते हैं, और मेल जो होता है वो उसको फैलाने में बराबर में मदद करता है। अब ये जो फर्टिलाइज अंडा होता है वो धीरे धीरे उसमें आपका डॉर्सल स्किन का जो पाउच होता है उसमें धंसता जाता है, अंदर घुसता जाता है। वो पाउच तब तक आपका जो है ना ढका रहता है जिलेटिनस पदार्थ से या ओपरकुलम जैसा रचना से जो कि म्यूकस का बना होता है, एक लेयर से ढका रहता है, जब तक वो आपका उसमें डेवलप नहीं हो जाता है। वो जो पाउच होता है काफी वास्कुलर होता है और इसलिए उसमें जो है ना क्या होता है वो पर्याप्त किसका, वो हवा का और न्यूट्रिएंट्स का प्लस ब्लड का जो है ना सप्लाई होता रहता है।
तो वो जो है ना एक वहां पर मशीन जैसा काम करता है जिसमें बच्चे जो है ना निकल पाते हैं, लार्वा जो है ना निकल पाता है किसमें से, अंडे में से। अब करीब 80 दिन के बाद वो जो यंग है जो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं उसमें, वो बाहर निकलते हैं पाउच में से। अर्थात ये आपका ओविपेरस है, लेकिन ओविपेरस होने के बावजूद चूंकि अंडे को इसमें जो फीमेल होती है अपने डॉर्सल साइड में वो क्या करती है उसको पाउच में रखती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी में विविपेरस कंडीशन में रखते हैं। अर्थात प्राइमरी जो होता है शुरुआती जो ये अगर ये कहो तो ओविपेरस है, अंडा देती है, लेकिन जो फर्टिलाइज एग होता है उसको मेल जो होता है उसके पीठ पर जो है ना आपका स्पंजी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें धंसा देता है, और जब उसमें वो स्प्रे हो जाता है धंस जाता है तो ऊपर से जिलेटिन का एक लेयर उसको ढका रहता है, वो तब तक उसमें रहता है जब तक कि आपका डेवलप ना हो जाए, और ये आपका करीब 80 दिनों तक उसी में पड़ा रहता है। जब वो डेवलप हो जाता है तो फिर अंततः बाहर आ जाता है, मतलब ओविपेरस के साथ साथ इसमें विविपेरस हो रहा है। ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये अलग तरह का एक जो है ना व्यवस्था इसमें बोलते हैं पिपा में। नेक्स्ट पैरेंटल जो आपका केयर का बात करें हम फ्रॉग और टोड का, तो इसका जो पैरेंटल केयर होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना अपने बच्चों को ये देखभाल नहीं करता है। इसमें आपका जो ट्री फ्रॉग होता है वो टैडपोल्स को अपने पीठ पर रखता है और ट्री से लेकर वाटर पूल में चला जाता है। अभी आपको बताया था कि जो ट्री फ्रॉग होता है वो समानता अंडे को कहाँ देता है, तो जो आपका ट्री वगैरह जो होता है या जो सर्विसेस होता है ना उसमें दे देता है ट्री के, और फिर वहां से जब लार्वा निकलता है तो उसको अपने बैक पर ले लेता है, पीठ पर ले लेता है और लेकर उसको पानी की में जाकर डाल देता है। ये जो मीर वाइट टोड है वो अपने उसके बारे में आपको बताया थे कि अंडे को अपने पिछले जो पाँव होता है उसके द्वारा वहां पर पकड़ के ले आके कहाँ डालता है, वाटर प्रूफ में। और इसमें आपको क्या बोले सुरिनाम टोड के बारे में जो बता रहे थे जिसे पीपा कहते हैं, उसमें आपको बताए थे कि जो है ना पीट्स पाया जाता है, गड्ढे पाए जाते हैं, पाउच पाए जाते हैं पीठ पर फीमेल के, और मेल क्या करता है उसमें उसका फर्टिलाइज एग को डिस्पर्स कर देता है, उसमें आपका पहुंचा देता है और अंततः वो कवर रहता है क्योंकि से जिलेटिनस लेयर से। हाँ तब तक जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाए। ये पैरेंटल केयर भी आपको नजर आता है कुछ फ्रॉग और टोड में, मतलब बच्चों का देखभाल भी नजर आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड जो है ना वर्म का बात आ रहा था, ब्लाइंड वर्म जो है स्टिओप्सिस जिसको बोलते हैं वो लिपलेस जो है ना एम्फीबियंस है। लिपलेस एम्फीबियंस का मतलब क्या बताए थे आपको, वैसा एम्फीबियन जिसमें आपका क्या नहीं होता है, लिम्स नहीं होते हैं, इसमें आपको कहीं पैर नजर नहीं आ रहा होगा स्टिप्सिस में। लेकिन इसमें क्या होता है कि फीमेल जो है ना अपने अंडे अंडे को देने के बाद फर्टिलाइज होने के बाद उसको अपने पिछले हिस्से से उसको गोलाकार रचना बना लेती है, एक कर्ल बना लेती है, और उस कर्ल में जो है ना वो क्या करती है अंडे को अपना समेट लेती है और उसको केयर करती है, पैरेंटल केयर में वो आता है। सालामेंडर होता है, सालामेंडर में क्या होता है यूरोपियन ये आपका एक लिजार्ड है, लिजार्ड जैसा रचना है, और ये जो है ना आपका यूरोपियन स्पॉटेड या फायर सालामेंडर भी कहलाता है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ ये फर्टिलाइजेशन आपका बॉडी के अंदर होता है और ये विविपेरस टाइप का होता है, मतलब कि बच्चों को जन्म देता है। अगला है कुछ जो फ्रॉग होता है, अभी हम आपको पीछे भी बता रहे थे कि वो सुरिनाम टोड जो होता है, सुरिनाम टोड के पीठ पर जो है ना वो आपका हाईली वास्कुलर रीजन पाया जाता है जिसमें पाउच होता है, जिसमें आपका पोर जैसा पाया जाता है और उसमें अंडे जो है ना जाकर डेवलप होते हैं, प्लस वो हाईली वास्कुलर होता है जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स और क्या होता है ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहता है। अर्थात यहाँ पर विविपेरी टाइप का है, हाँ कुछ हद तक वो आपका प्लासेंटा जैसा काम करते हैं उसके लिए। यहाँ पर कुछ और बात है लिखा हुआ, कुछ
कुछ फ्रॉग जो होते हैं ना उसमें गजब टाइप का डेवलपमेंट होता है। वो क्या करते हैं, अपने अंडों को सूखने से बचाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग पीछे देखे थे सुरिनाम टोच के बारे में या पीपा के बारे में, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वो क्या करते थे, अपने स्किन में जो पीठ था या पॉकेट था पीठ पर, उसमें अंडों को रख लेते हैं और उसको जिलेटिनस लेयर से ढके रखते हैं। हाँ, और एक एक साथ जो है करीब करीब 60 से 70 जो है ना, 60 तक अंडे जो है वहां पर होते हैं, जो कि आपका बच्चों के रूप में बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे फ्रॉग के रूप में बाहर आ जाते हैं। अगला है, कुछ फ्रॉग जो होते हैं उसमें एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, सॉरी एब्सेंट होता है। करें कि फ्रॉग जो होता है उसमें एक्सटर्नल ईयर जो एब्सेंट होता है, सिर्फ टिम्पैनम आपको बाहर से नजर आता है। मतलब आप देखोगे फ्रॉग को, अभी हम फिगर से देखेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर नजर नहीं आएगा, टिम्पैनम से नजर आएगा। मतलब मिडिल ईयर का जो बाहरी आपका रचना है, जो सबसे बाहर से नजर आता है हम लोगों को, तो वो आपका स्किन जैसा कुछ नजर आता है, जिसका नाम क्या है, टिम्पैनम। वो टिम्पैनम आपको बाहर से नजर आएगा। और फ्रॉग जो होता है वो आपका दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड में उसका आपका टिम्पैनम नजर आ जाएगा। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो मनुष्य में, हम लोगों में क्या होता है, ईयर ड्रम कहलाता है, उसी से हम लोग सुनते हैं। यहाँ जो है ना, इसमें जो आपका होता है वो टिम्पैनम आपका ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करके रखता है और सुनने में उसको मदद करता है। पीडोजिनेसिस का बात करते हैं, पीडोजिनेसिस क्या है? देखो, कुछ इमैच्योर या लार्वल एनिमल्स अगर जो है ना यंग को प्रोड्यूस करने लगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, वैसा कंडीशन जिसमें आपका यंग जो है ना, या नया जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण किसके द्वारा होने लगे, वो आपका अविकसित या लार्वल एनिमल के द्वारा होने लगे, इसको बोलते हैं एम्बिस्टोमा। एम्बिस्टोमा क्या है, इसका कॉमन उदाहरण है, इसको क्या कहते हैं, पीडोजिनेसिस। तो एम्बिस्टोमा जो है उसमें आपका पीडोजिनेसिस नजर आएगा। उसमें क्या देखेंगे आप, कि जो आपका सोमेटिक डेवलपमेंट होता है वो कम होता है और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है ना वो आपका ज्यादा होता है। इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जबकि बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। और इस कारण से देखने में बॉडी जो होता है वो नजर आता है किसके जैसा, लार्वा के जैसा, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है चूंकि ज्यादा विकसित हो जाते हैं तो वहां पर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो पीडोजिनेसिस क्या है, पीडोजिनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लार्वा जैसा जो रचना होता है या इंडिविजुअल होता है वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी घटना को हम नियोटिनी भी कहते हैं, लार्वा के द्वारा रिप्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, नियोटिनी भी कहलाता है। ये क्यों होता है तो आप आराम से बता देना, कि इसमें होता क्या है कुछ कुछ में, कि जो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके बाद जो आपका यंग डेवलप होना लगता है तो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है और जो बॉडी का डेवलपमेंट है या सोमेटिक डेवलपमेंट है वो आपका कम हो पाता है। तो ऑर्गेनिज्म विकसित तो हो जाता है लेकिन देखने में लार्वा जैसा ही नजर आता है, क्योंकि सोमेटिक ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा हो जाने के कारण रिप्रोडक्शन के लिए वो सक्षम हो जाता है और आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है। ठीक है, इस घटना को नियोटिनी और पीडोजिनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, ये जो आपका पॉइनस जो फ्रॉग होता है, एरो पॉइनस फ्रॉग, वो आपका पावरफुल पॉइजन देता है स्किन से, जो आपका तुरंत मौत दे सकता है। एक पॉइनस फ्रॉग है जिसका नाम है गोल्डन डार्ट पॉइनस फ्रॉग या पॉइजन फ्रॉग। ये सामान्यतः गोल्डन डार्ट जो है वो पाया जाता है साउथ अमेरिका में। आप समझ लो इसके स्किन से कितना ज्यादा पॉइजन निकलता है, कि एक सामान्य एडल्ट फ्रॉग जो है, माना ये जाता है कि वो 200 से 2000 आदमियों तक को मारने के लिए काफी है,
एक जो आपका एडल्ट होता है उसका फ्रॉग किसका गोल्डन डार्ट का, वो उतना पॉइजन रखता है जिसमें कि आराम से 200 से लेकर 2000 तक आदमी मर जाएगा, इतना ज्यादा पॉइजन होता है उसके स्किन पर। ठीक है, और इसीलिए लोग कुछ लोग जो है ना इसको क्या करते हैं, इसके स्किन को ड्रग के रूप में भी यूज करते हैं पीने के लिए, उसको सिगरेट में भर भर के। जैसे छिपकली है, रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे हम लोग, उसका भी जो है ना चमड़े को उतार लिया जाता है और चमड़ा जो है ना उसका यूज किया जाता है गांजा की तरह भर के पीने में, सिगरेट वगैरह में, ठीक है, नशा के लिए। तो वो आपका छिपकली जो होता है उसमें भी पॉइजन जो है ना उसकी स्किन में ही पाया जाता है, ना कि माउथ वगैरह में कहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपका लार्वा होता है टेल एम्फीबियंस का, वो एमनो एमनोटेलिक होता है। लार्वा और जो टेल एम्फीबियंस होता है, लार्वा हो गया और कौन हो गया टेल एम्फीबियंस, वो कैसा होता है एमनोटेलिक होता है, जबकि फ्रॉग और टोड कैसा होता है यूजोटेलिक होता है। ये बात हम लोग पीछे भी देखे हैं और फिर से इसको कर दे रहे हैं, आप इसको स्टार्ट करके लिख लीजिएगा कहीं पर कि कौन सा यूजोटेलिक होता है और कौन सा एमनोटेलिक होता है। तो जो आपका फ्रॉग और टोड है वो यूजोटेलिक, जबकि उसका लार्वा होता है या टेल एम्फीबियंस सालामेंडर जिसको बोल रहे हैं वो आपका कैसा है अमोनोटेलिक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला है बात लार्जेस्ट एम्फीबियन जो आपका आरबीसी है वो भी आपका किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन में पाया जाता है। कॉमन एम्फीबियन है एम्फीवमा, एम्फीवमा जो है ना वो कॉमन एम्फीबियन है जो जिसमें आपका एनिमल्स का सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है। कुछ जो होता है वो आपका लार्वल स्टेज परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के लिए, और इस घटना को कहते हैं पीडोजिनेसिस। इसका कॉमन एग्जांपल आपको क्या हो गया, एक्जोटल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा। ठीक है, एम्बिस्टोमा का जो एस्टोटल लार्वा होता है एक्जोलोटल कर लीजिएगा, एक्जोलोटल पढ़िएगा, एक्जोलोटल लार्वा, एक्जोलोटल लार्वा जो होता है वो क्या करता है पीडोजिनेसिस दिखाता है, मतलब लार्वल स्टेज में ही नियोटिनी के द्वारा रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेवलप नहीं है, फिजिकली वो डेवलप नहीं हुआ है, रिप्रोडक्टिवली वो क्या होता है डेवलप हो जाता है। इसका कुछ उदाहरण है, हम पीछे भी देखे थे लेकिन यहाँ पर कुछ और नाम लिख दे रहे हैं कॉमन नेम के साथ है, साइरियन मड ईल बोलते, नेक्टुरस क्या बोलते हैं उसको, मड पप्पी, एम्फूमा, कॉन्गो ईल, आपका प्रोटियस, ब्लाइंड सालमेंडर। ठीक है, ये जो एम्फीबियन किसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड को। कार्बोनिफेरस पीरियड जो था, आप पढ़ोगे ये पढ़ना है 12 में इवोल्यूशन में, ऐसे आप पढ़े भी होंगे 10th वगैरह में, कि जो आपका कार्बोनिफेरस पीरियड होता है, जो कार्बोनिफेरस पीरियड होता है उसमें आपका क्या होता है एम्फीबियन सबसे ज्यादा विकसित था। अगला है एम्फीबियन जो है ना वो रियली में आया कब था, तो डिवोनियन पीरियड में। ये सब बात जो है ना रखिएगा, फिश जो है ना किस पीरियड में था, एम्फीबियन जो है ना किस पीरियड में था, सब में लिखते जा रहे हैं। रेप्टाइल्स जो है ना वो सबसे ज्यादा विकसित किस पीरियड में था, तो ओरिजिन हुआ था डेवोनियन पीरियड में, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित या इस पूरे पृथ्वी पर आधिपत्य का अगर बात करो तो किस एम्फीबियन का कब था, तो आपका कार्बोनिफेरस पीरियड में। देखो अभी आपको पीछे हम लिखे भी थे कि वो आपका वो मार सकता है जो है ना पॉइजनस फ्रॉग जो होता है, एरो पॉइजनस फ्रॉग, उसके स्किन में जो है ना पॉइजन होता है जिससे कि आदमी मरता है, तो वो बात फिर से लिखा गया है। खैर कोई बात नहीं, वो ट्रिलिंग फ्रॉग जो है ना किसको बोलते हैं, नियोब्रैचस सेंट्रलिस को बोलते हैं। वो आपका पहाड़ी, सॉरी पहाड़ी से ज्यादा अच्छा रहेगा डेजर्ट क्षेत्रों में, मतलब कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है लार्जेस्ट फ्रॉग, इसमें आया है आपका कौन, राना ग्लोसिथार। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसमें होता है, सलामेंडर एट्रा में होता है। ठीक है,
16 मंथ तक आपका इसमें क्या होता है, वो गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब ये क्या है, बीबी पेरेंट्स है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग एम्फीबियन के बारे में देख रहे थे। बाद हम लोग क्या क्या देखे, टेट्रापोडा देखे, टेट्रापोडा में कौन सा क्लास देखे, एम्फीबियंस देखे। हाँ कुछ जो है ना, इसके बाद का जो क्लास है जिसका नाम है रेप्टाइल्स, उसको अगला दिन देखेंगे, लेकिन इसका कुछ जो है ना फोटो और देख लेते हैं, कुछ फिगर देख लेते हैं। ये हाइला है, ठीक है। हाइला में आप देख रहे होंगे कि इसका जो कैसे पहचानेंगे, हम पहचानने के लिए आपको बताना चाह रहे हैं। इसका जो पैर है, पैर में देखिए आगे वाला में भी जो है ना, वो आपका चार क्या है, वो आगे का जो पैर है उसमें आपको चार जो है ना वो उंगलियां नजर आ रही होंगी। उंगलियों के टिप पर आप देखिएगा एडहेसिव पैड पाया जाता है या डिस्क पाया जाता है। इस पैड या डिस्क के मदद से क्या होता है, आराम से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता है, फिसलता नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे आंख के जस्ट पीछे काला जैसा स्पॉट आपको नजर आ रहा है, वहां पर आप देखिएगा नजदीक से ना, आगे वाले फिगर में हम आपको दिखाएंगे तो टिम्पैनम नजर आएगा आपको, साफ त्वचा जैसा स्किन से हटके कुछ जो है ना वो आपका पतला जैसा कुछ नजर आता है, वो कौन है, टिम्पैनम है। इसमें हेड और ट्रंक आपको साफ नजर आएंगे, नेक आपको साफ नजर नहीं आता है। एनस पिछले पर हो गया, हैंडलिंब हो गया, और बाकी सब जो आपका पिछला जो पैर होता है, पिछला पैर में जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों के बीच में क्या पाया जाता है, वो आपका स्किन जैसा लेयर, स्किन जैसा रचना पाया जाता है, जिसको वेव कहते हैं। हाँ लेग वेव बोलते या फुट वेव बोलते, इससे क्या होता है, तैरने में मदद मिलता है इसको, या आपका क्या होता है, पानी में आगे बढ़ने में मदद मिलता है। प्लस इससे क्या होता है कि उंगलियां जो है ना आपस में बंधी रहती हैं, तो पेड़ पर भी चढ़ने में आराम मिलता है, इसको आसानी होता है। आप देखे होंगे कभी भी पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों को क्या करते हैं, अपने पैरों को, दोनों पैरों को रस्सी के द्वारा एक निश्चित डिस्टेंस पर बांध लेते हैं, ताकि पैर जो है ना ज्यादा आपका डायलेट ना हो और वो पेड़ पर आराम से चढ़ पाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते एक फिगर और देख लीजिए, बको का पिक्चर है ये। इसमें आप देख रहे होंगे स्किन पर जो है ना उभार जैसा पाया जाता है, जिसको वाट कहते हैं, जैसा कि आप मस्सा जिसको बोल सकते हो हम लोगों में। डोर्सल सरफेस जो है ना वो आप देख रहे होंगे रफ होता है इसका। पाराथायरॉइड ग्लैंड आपको साफ नजर आ सकता है उसको दिखने पर। टिम्पैनम आप देख रहे होंगे, एक देखिए पतला सा जो है ना आपका झिल्ली जैसा नजर आ रहा है आंख के पीछे, वो है आपका टिम्पैनम। नॉस्ट्रिल वगैरह तो समझ गए होंगे, इसमें भी जो है ना कुछ हल्का पैड पाया जाता है, कि वहां हम देखे थे कि जो आपका चढ़ने वाला होता है ट्री पर, उसमें पैर काफी विकसित होता है, ठीक है। इसमें क्लोइका होता है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है राना। राना जो है ना इसका फिगर साफ नहीं आ पाया, तो इसमें नहीं, तो इसमें जो है ना टिम्पैनम आपको एकदम साफ नजर आता है। टिम्पैनम जो है ना आप साफ देख सकते हैं, थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो गया है, फर्स्ट लाइट करने पर जो है ना आपको साफ नजर आता है। टिम्पैनम में देखिएगा आंख के जस्ट पीछे आपको जो है ना एक वो लय की पतला सा झिल्ली जैसा है, जो ऊपर नीचे हो रहा है आगे पीछे। बाकी तो इसको आराम से आप देख सकते हैं। राना टिकिना आपका कॉमन जो है ना फ्रॉग है, जो हमारे अगल बगल में पाया जाता है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि जो आपका फ्रॉग है वो जहरीला नहीं होता। हाँ कुछ फ्रॉग जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, और उनसे वो इतना ज्यादा जहरीला होता है कि वो 200 से ऊपर आदमी को एक बार में मार सकता है उसका जहर। तो नेक्स्ट डे